बैठक बुलाई गई थी आज विधायकों के साथ, क्या कुछ बात, क्या बात हुई, क्या मकसद था, की समीक्षा हुई आगे की रणनीतियों पे, करते हुए क्या कुछ हुआ जी? लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली दिल्ली के सभी विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें हमने जो चुनाव लड़ा उसको लेकर के हमने चर्चा की है और सभी जगह से जो रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद बंधी है कि दिल्ली के अधिकारों को जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार हमले बोल रही थी, जिस तरह से चुनी हुई सरकार के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने पलट दिया, दिल्ली के लोगों का अधिकार छीन लिया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सभी लोगों को ये भरोसा दिख रहा है कि जनता का जो जनादेश है उसमें केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और दिल्ली के अधिकारों का जो हड़प नीति है उसे बदलेगी। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो निराशा उभरी थी पूरे पार्टी के अंदर, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने एकजुट होकर के जिस तरह से मुकाबला किया, चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। अभी हमने ये तय किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं तो हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा। एक फैसला हमने जो अहम किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से दिल्ली में भी और पूरे देश में आचार संहिता लागू थी, उसकी वजह से पिछले 2 महीने से दिल्ली में डेवलपमेंट काम ठप थे। आज ये निर्णय हुआ है कि सभी विधायक सैटरडे और संडे में अपने अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जितने विकास कार्य हैं उनको जो है तेज किया जाएगा, सभी विधायक जनता के बीच में रहेंगे और तेजी के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 13 जून को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का बैठक करने का आज विधायकों के साथ निर्णय हुआ है, तो जैसे आज हमने विधायकों के साथ बैठक की है, परसों सभी पार्षदों की मीटिंग हम कर रहे हैं और 13 जून को प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पूरी दिल्ली मिल करके जिस तरह से इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है हमारा ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को और मजबूती के साथ हम लेकर के जाएंगे। एक तरफ हम इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और दूसरी तरफ आचार संहिता के बाद विकास कार्य जो रुके थे उसको हम तेज करें। समीक्षा में हार का कुछ कारण का कुछ पता लगा, क्या कारक रहे? नहीं देखिए, मोटे तौर पर जो सबका कहना है कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 2 चुनावों से भी हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव में वो अलग वोट करते हैं और विधानसभा चुनाव में अलग वोट करते हैं। दिल्ली के लोगों ने पिछले पैटर्न को लोकसभा चुनाव में दोहराया है, विधानसभा में भी जो पिछला पैटर्न है वो दोहराया जाएगा, इसलिए हमने इस पर अब फोकस किया है कि जो विकास कार्य है उसको तेजी के साथ युद्ध स्तर पे दिल्ली के अंदर हम शुरू करें। क्या कांग्रेस का फायदा मिला गठबंधन से दिल्ली में आपके साथ, गठबंधन से कहीं आपके असेसमेंट में कोई फायदा कांग्रेस से नजर आया? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जो जीत हार का अंतर है वो कम हुआ है। गोपाल जी, समीक्षा की आपने, आपने गठबंधन किया, आपने कैंडिडेट मिलजुल कर लड़ा, मिलजुल कर चुनाव लड़ा, फिर भी उसके बाद 90,000 से लेकर 2-2 लाख तक की आपकी हार होती है। आपको नहीं लगता जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी बनस्पत ये कहने के कि सिर्फ बीजेपी ने इस तरीके से कर रखा था तो इसलिए नहीं जीता? देखिए, ये परिस्थितियां विपरीत थी जी। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया पूरे देश में एक ही बात चर्चा थी और भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही थी कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इनका कार्यकर्ता डर जाएगा, विधायक टूट जाएगा। अब तक जो हम चुनाव लड़ते रहे और इस बार के चुनाव में जमीन आसमान की परिस्थितियों में फर्क था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सड़क पे लड़ाई लड़ी और चुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी है, पार्टी ने इस बात को पॉजिटिव लिया है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हमने चट्टानी एकता के साथ, हौसले और हिम्मत के साथ, इनके धनबल का, इनके 400 पार के नारे का,
इनके पैसे का हमने हर तरह से मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। जब पिछले लोकसभा चुनाव से हमने ज़्यादा मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है तो पार्टी ने इसको सकारात्मक रूप से रेखांकित किया है और मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों को बधाई भी देना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कि उन्होंने जो हौसला दिखाया है, हौसला हमें जारी रखना है। दिल्ली हम कल जीते थे और फिर जीतेंगे। विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या कांग्रेस से उसमें भी आगे गठबंधन जारी रखेंगे? देखिए, अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिल करके लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिल करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, कंगना रनौत को चंडीगढ़ में थप्पड़ मारा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।